वेलकम टू टेक्स्ट एग्जाम। आज है 15 मई 2020 और 15 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के तंजामुर नेति बक्स और आराम बाबुर बुट कार्विंग्स को जीआई टैग मिला है? तो ये दोनों ही तमिलनाडु के हैं, इनको अभी जीआई टैग मिल गया है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, ये है तंजामुर नेति बक्स और आराम बाबुर बुट कार्विंग्स। इसमें जो तंजामुर नेति वर्क्स है ये दलदले पौधे से बनाया गया है और जो आरामपुर वुड कार्विंग्स है ये लकड़ी की नक्काशी होती है। तो इन दोनों को अभी जीआई टैग मिला है। अच्छा, जीआई टैग, तो जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये जो जीआई टैग होते हैं इनको देता कौन है? तो इनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देता है। कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। जितनी भी कंट्री WTO की मेंबर है वहां पे जीआई टैग दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है? जब कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर स्थान पर बहुत फेमस हो जाती है तो उस चीज को उस स्थान की पहचान बनाने के लिए जीआई टैग दे दिया जाता है। और जब किसी चीज को जीआई टैग मिल जाता है तो उसका एक स्टैंडर्ड बन जाता है और उसके प्राइज में यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। अच्छा, WTO इसे देता है, तो इंडिया में सबसे पहले कब और किसे जीआई टैग मिला, ये भी तो क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। तो इंडिया में सबसे पहले दार्जिलिंग की टी को, यानी कि दार्जिलिंग की चाय को 15 सितंबर 2003 को जीआई टैग मिला था, ये भी आप याद कर लीजिए। अच्छा, अभी ये रिसेंटली जीआई टैग मिले हैं। एक ब्लैक राइस को जीआई टैग मिला, ये मणिपुर का ब्लैक राइस है, इसको चा खाओ भी कहते हैं, इसको अभी जीआई टैग मिला। गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला। टेराकोटा क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, ये दोमट मिट्टी की कलाकृतियां होती हैं, दोमट मिट्टी से सजावट की कलाकृतियां बनाई जाती हैं और इन्हीं को हम टेराकोटा कहते हैं। और दोमट मिट्टी क्या होती है, ये मिट्टी के प्रकार होते हैं, जैसे काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी, लाल मिट्टी, ये मिट्टी के प्रकार है। तो इन्हीं में से एक प्रकार होता है दोमट मिट्टी और दोमट मिट्टी से ये कलाकृतियां बनाई जाती हैं, इन्हीं को टेराकोटा कहते हैं। अच्छा, तमिलनाडु के ही कदलई मिठाई को भी जीआई टैग मिला था। कदलई मिठाई ये क्या होती है, ये मूंगफली की कैंडी होती है, इसको भी जीआई टैग मिला। कश्मीरी केसर को भी अभी जीआई टैग मिला था। उसके बाद झारखंड के सोहराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला, ये तो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया है, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला। और तेलंगाना की तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला। इसमें क्या होता है, ब्लैक, रेड और व्हाइट कलर का यूज करके अलग अलग डिजाइन बनाई जाती हैं, ये दोनों तो कल ही मैंने आपको बताए थे। तो इतने अभी रिसेंटली जीआई टैग मिले हैं, ये आप याद कर लीजिए। अब ये दोनों तमिलनाडु के हैं, तो मैप में देखिए, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, एडापड्डी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 और 12 की शेष परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा कर दी है? तो क्लास 10th और 12th के जो अभी एग्जाम रह गए थे उनको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कैंसिल करने की घोषणा कर दी है। प्री बोर्ड जो एग्जाम हुआ था उसमें जो मार्क्स आए हैं उसी के बेस पर मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ ने क्लास 10th और 12th की जो छत्तीसगढ़ बोर्ड की एग्जाम थी उनको कैंसिल करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ ने की है, तो ये है मैप पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, रायपुर। अच्छा, एक और शहर है नया रायपुर, इसका नाम बदला गया है। नया रायपुर का नाम बदल के अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है,
अनसुईया उइके। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना था जिसने शराब की होम डिलीवरी शुरू कर दी थी। उससे पहले छत्तीसगढ़ ने आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए सी घाट ऐप लॉन्च किया था। सी घाट ऐप ये भी छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया। और छत्तीसगढ़ में ही पढ़ई तुहार द्वार योजना भी शुरू हुई। पढ़ई तुहार द्वार ये एक ऐप है और इसको एक योजना भी बनाया गया है। तो पढ़ई तुहार द्वार ये एक ऐप छत्तीसगढ़ में लॉन्च हुई। तो इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये क्या है, ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा? तो अभी क्या है, COVID-19 के टाइम पे जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, जो रेगुलर टाइम पे डॉक्टर से अपना चेकअप कराते थे या जो नॉर्मल मरीज थे अपनी दवाई लेने जाते थे, उनके लिए ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू कर दी है। इसमें क्या है, www.esanjeevaniopd.in ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। इस पे पेशेंट जाके रजिस्टर कर सकते हैं, उसके बाद उनको डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और फिर वो घर पे बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये है ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा, इसको महाराष्ट्र ने शुरू किया है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इसके नए चीफ जस्टिस बने हैं दीपंकर दत्ता। अच्छा, महाराष्ट्र में ही संजय गांधी गुगुमल नबेगांव नेशनल पार्क है। ये तीन इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है महाराष्ट्र से, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, एक नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों में है, वो कौन सा है, पेंच नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है, तो पेंच नेशनल पार्क है। अच्छा, अभी महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक लॉन्च की गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये एक बुक लॉन्च की गई है। ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड है। और अभी महाराष्ट्र मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है, इतना आपको महाराष्ट्र से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो अभी इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नाम का एक ब्रेसलेट डेवलप किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये है आई फील यू ब्रेसलेट। इसको आईआईटी ने डेवलप किया है। अब ये इंडिया वाला आईआईटी नहीं है, ये इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसने इस ब्रेसलेट को डेवलप किया है। इसमें क्या है, ये जो ब्रेसलेट है ये रेडियो के सिग्नल से कनेक्ट है, ये जीपीएस से कनेक्ट नहीं है, क्योंकि जब भी कोई ब्रेसलेट या इस टाइप की कोई भी डिवाइस जीपीएस से कनेक्ट होती है तो वो आपके पूरी लोकेशन को ट्रैक कर पाती है। लेकिन ये जो ब्रेसलेट है ये रेडियो सिग्नल से कनेक्ट है। इसमें क्या होगा, जब कोई दूसरा ब्रेसलेट आपके कॉन्टेक्ट में आएगा तो ये आपको वार्न कर देगा, जिससे कि आप लोगों के क्लोज कॉन्टेक्ट में ना आए और COVID-19 के फैलने का खतरा कम रहे। तो इसमें दोनों चीजें हैं, आपकी लोकेशन भी ट्रैक नहीं होगी और आप COVID-19 से बच भी जाएंगे। तो आई फील यू ब्रेसलेट इसको इटली ने डेवलप किया है। अब इटली ने डेवलप किया तो ये है मैप में इटली। इटली की कैपिटल क्या है, रोम। इटली की करेंसी क्या है, इटालियन लीरा। और इटली के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, जियोसेपे कोटे। कौन है, जियोसेपे कोटे। अच्छा, कल मैंने मई के पहले 10 दिन का ये रिवीजन का वीडियो बना दिया है। अब हर 10 दिन के बाद आपको रिवीजन का स्टेप का एक वीडियो मिलेगा, जिससे आप 10 10 दिन का अपना करेंट अफेयर्स रिवाइज कर पाएंगे। इसमें क्या है, पूरे 10 दिन के इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स मैंने आपको रिवाइज कराए हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो इसे आप देख लीजिए। हर 10 दिन के बाद आपको इस टाइप का वीडियो मिलेगा। जैसे पहले 10 दिन यानी कि 10 तारीख के बाद, जैसे ही 11 तारीख होगी आपको 11 तारीख को इस टाइप का वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद 21 तारीख को इस टाइप का वीडियो मिलेगा और उसके बाद महीने की लास्ट डेट को इस टाइप का वीडियो मिलेगा। तो 10 10 दिन का मैं एक रिविजन का वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि आप रिवाइज भी कर पाए। लेकिन ये इतना डिटेल वीडियो नहीं रहेगा जितना डेली वाला वीडियो है। डेली वाला वीडियो पूरा डिटेल में है और ये जो वीडियो है ये सिर्फ रिविजन के पर्पज के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी राइट का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो बेटी राइट ये एक फेमस सिंगर थी यानी कि गायक थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, ये थी बेटी राइट और अभी इनका निधन हो गया है। ये ग्रैमी अवार्ड विजेता थी,
ग्रैमी पुरस्कार विजेता थी। इनको मात्र 23 साल की उम्र में इन्होंने एक सॉन्ग लिखा था, वेयर इज द लव, इस सॉन्ग की वजह से इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। इस सॉन्ग को इन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में गाया और लिखा था और इसी सॉन्ग की वजह से इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। और अभी इनका निधन हुआ है तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेवा अभियान शुरू किया है? तो अभी BMW इंडिया ने सेवा अभियान शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये क्या है? सेवा अभियान। तो इसमें क्या है, जब आप कोई भी गाड़ी परचेज करते हो तो परचेज करने के बाद बहुत सारे काम होते हैं जो आप एजेंसी से आके कराते हो, उन सब के लिए ये सेवा अभियान BMW ने शुरू किया है, जिससे कि BMW की जितनी भी कार्स हैं वो रेडी टू यूज रहे। तो सेवा अभियान BMW इंडिया ने शुरू किया है। अब BMW इंडिया की बात है तो BMW इंडिया के अभी प्रेसिडेंट एंड CEO थे रुद्र तेज सिंह, उनका निधन हुआ है इसी अप्रैल में। रुद्र तेज सिंह का निधन हुआ, ये BMW के CEO भी थे और प्रेसिडेंट भी थे, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी स्वीडन इस बार के ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में टॉप पर रहा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इसमें स्वीडन फर्स्ट नंबर पर रहा है, स्विट्जरलैंड सेकंड नंबर पर रहा है और फिनलैंड थर्ड नंबर पर रहा है। अच्छा, अपना इंडिया 74th नंबर पर रहा है। अब ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है इसको किसने जारी किया है? इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी स्थापना कब हुई है? 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? क्लाउस श्वाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है इसीलिए इसका नाम पूछ लिया जाता है कि इसका पूर्व नाम क्या है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहां है, तब आप बताएंगे उत्तराखंड में। अच्छा, इंडिया में सबसे ज्यादा टाइगर MP में पाए जाते हैं, उसके बाद कर्नाटक में और उसके बाद उत्तराखंड का नंबर आता है। तो सबसे ज्यादा टाइगर MP में है, उसके बाद कर्नाटक में है और उसके बाद उत्तराखंड में है, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने COVID-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? तो अभी ICCR ने COVID-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट नाम का एक सॉन्ग लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ICCR, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इसने एक सॉन्ग बनाया है यूनाइटेड वी फाइट, ये COVID-19 के लड़ने के लिए है। अच्छा, अभी COVID-19 से रिलेटेड फेसबुक ने भी एक पहल शुरू की थी आई फॉर इंडिया, और टिकटॉक ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया था, और ऐसे ही फीफा ने #WeWillWin अभियान शुरू किया था। तो ये अभी कुछ COVID-19 से रिलेटेड अभियान हैं जो शुरू हुए हैं, ये आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी बी विद्यावती आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बन गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है बी विद्यावती, ये एक IAS अधिकारी हैं और 1991 बैच की ये IAS अधिकारी हैं और कर्नाटक कैडर की हैं। अभी ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की नई अध्यक्ष बनी है। अब ये ASI की नई अध्यक्ष बनी है। तो ASI, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में। कब? 1861 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंगम। कौन थे?
अलेक्जेंडर कनिंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत को 1 बिलियन डॉलर की आपातकालीन सहायता ऋण को मंजूरी दी है? तो अभी एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को 1 बिलियन डॉलर के आपातकालीन सहायता ऋण की मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये मंजूरी एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दी है। तो एनडीबी की स्थापना कब हुई थी? 2014 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? चाइना की संघाई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? के बी कामत। कौन है? के बी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई यूएनसीटीएडी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो अभी यूएनसीटीएडी की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 की पहली तिमाही में वैश्विक व्यापार में 3% की कमी आई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और ये कमी सिर्फ कोविड-19 की वजह से आई है। अब यूएनसीटीएडी, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है? तो अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर ने 2022 तक सभी ग्रामीण क्षेत्र के घरों में जल यानी कि शुद्ध पेयजल के कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। ये एक जल जीवन मिशन है, इसके तहत इन दोनों राज्यों ने हर गांव में हर घर तक शुद्ध पानी का कनेक्शन पहुंचाने की योजना तैयार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीपीई किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पीपीई किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऐसे हॉस्पिटल और ऐसे नर्सिंग होम जो आयुष्मान भारत योजना की तय दरों पर इलाज प्रोवाइड करेंगे, उनको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट पीपीई किट में 50% का अनुदान प्रदान करेगी। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू हुए थे। गूगल के साथ सहयोग करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किए। उत्तर प्रदेश में ही वर्चुअल अदालतों की भी शुरुआत हुई, तो वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ है और उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉटस्पॉट हैं वहां पे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है? तो अभी ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऐसे एम्प्लॉई जिनका काम बिना ऑफिस आए हुए भी चल सकता है, यानी कि जो ऐसे काम के लिए हायर किए गए हैं कि उनका काम घर पर भी बैठ के लैपटॉप से भी चल सकता है, उन कर्मचारियों को हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया है ट्विटर ने। अब ट्विटर ने दिया है, तो ट्विटर की स्थापना कब हुई? 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? कैलिफोर्निया में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? जैक डॉर्सी। कौन है? जैक डॉर्सी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार की सोहराई खोवर पेंटिंग्स को जीआई टैग मिला है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो।
और आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना, आज की इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।